आज हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर में हम डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। इसको ब्रीफली पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन क्या है। प्रोस्टेट कैंसर इज ए कंडीशन व्हेन कैंसर डेवलप्स इन द प्रोस्टेट विच इज़ ए ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब क्या है कि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जब प्रोस्टेट में कैंसर डेवलप्स होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, मतलब इसमें क्या क्या जोखिम कारक होते हैं। फर्स्ट हमारा है हाई इनटेक ऑफ फैट इन डाइट, मतलब क्या है डाइट में क्या है, वसा का, फैट का अधिक सेवन करने से होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, ओल्डर एज है, रेस है। ए डाइट हाई इन प्रोसेस्ड्स रेड मीट और मिल्क प्रोडक्ट, मतलब क्या है कि प्रोसेस्ड्स में क्या है, रेड मीट या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में हाई डाइट्स लेने की वजह से होता है। आगे नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमारा है पेन इन पेल्विस, मतलब क्या है पेल्विस में दर्द रहेगा। डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन का मतलब हो गया कि इसमें क्या यूरिनेशन जो हमारा है, यूरिन अगर मतलब पेशाब करने में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होगा, मतलब जो हमारा यूरिन है उसमें इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि रुक रुक के आना या फिर लगातार आना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हमारा है यूरिनरी हेजिस्टेंसी देखने को मिलेगी, हिमेजूरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मतलब ये है कि हम क्या क्या, मतलब अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो उसको क्लियर करने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री में क्या है, पेशेंट का पूरा मतलब पास्ट के बारे में या फिर प्रेजेंट के बारे में सारा क्या उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर उसके फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का हेड टू टॉय एग्जामिनेशन करते हैं, बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट एनी लिम्फ नोड कराते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है यूरिनरी एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि उसमें क्या क्या प्रबंधन किया जाता है। फर्स्ट हमारा क्या है, कंजर्वेटिव थेरेपी। कंजर्वेटिव थेरेपी में लिखा है वॉचफुल वेटिंग, आल्सो कॉल्ड एज डेफर्ड ट्रीटमेंट। वॉचफुल वेटिंग का मतलब हो गया कि सतर्क प्रतीक्षा। ओके, वॉचफुल वेटिंग आल्सो कॉल्ड एज डेफर्ड ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारा वॉचफुल वेटिंग है उसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम वॉचफुल वेटिंग को हम क्या है, डेफर्ड ट्रीटमेंट भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसमें कराते हैं क्रेयो सर्जरी कराते हैं, नर्व स्पेरिंग प्रोस्टेटेक्टोमी कराते हैं, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कराते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट पढ़ेंगे हम आगे इसमें सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी में हमारा क्रेयो सर्जरी होता है, नर्व स्पेरिंग प्रोस्टेक्टोमी होता है, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी होता है। यही तीनों हमारा जो हम उसमें सर्जिकल थेरेपी कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेडिएशन थेरेपी। हमारा है रेडिएशन थेरेपी में क्या लिखा है, इट इज़ ऑफर्ड व्हेन ट्रीटमेंट इज़ गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ सर्जरी और विथ हार्मोनल थेरेपी। मतलब ये हो गया कि जो रेडिएशन थेरेपी है यह तब किया जाता है, यह तब ऑफर किया जाता है जब ट्रीटमेंट सर्जरी या फिर हार्मोनल थेरेपी के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ओके, तब हम क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी
करते हैं, मतलब जब कॉम्बिनेशन विथ सर्जरी और विथ हार्मोनल थेरेपी की वजह से क्या है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीमोथेरेपी ड्रग्स थेरेपी। ओके, कीमोथेरेपी और ड्रग्स थेरेपी में यह है कि मतलब सर्जिकल थेरेपी पढ़ लिए, रेडिएशन थेरेपी पढ़ लिए, कीमोथेरेपी में यह है कि हम कैंसर को ड्रग्स मतलब दवा दे करके, मेडिसिन दे करके कैंसर को ख़त्म करते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, LHRH एगोनिस्ट रहेगा, आर्केक्टोमी रहेगा, रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस में मतलब नर्स क्या क्या डायग्नोसिस करती है, लिखा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट, अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न रिलेटेड टू इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब क्या है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मतलब हो गया कि मूत्र मतलब यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो यूरिन है हमारा वो सही नहीं है, वो रुक रुक के या फिर क्या है लगातार आ रहा है, वो इनकॉन्टिनेंस हो गया। ओके, तो इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से संबंधित परिवर्तित एलिमिनेशन पैटर्न। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमारा, अल्टर्ड बॉडी कंफर्ट रिलेटेड टू पेल्विस पेन एंड सर्जिकल वाउंड, मतलब क्या है कि पेल्विस पेन और सर्जिकल वाउंड में होता है घाव। ओके, सर्जिकल घाव से संबंधित शरीर को आराम में बदलना। ओके, मतलब जो दर्द है या तो वो पेल्विस का पेन है या फिर वो जो सर्जिकल घाव हुआ है उसके वजह से, मतलब जो सर्जरी हुई है उसके वजह से जो घाव है उसको क्या है, उससे क्या है पेशेंट को उसके बॉडी को कंफर्ट देना, मतलब आराम देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ डिजीज, मतलब क्या है कि रोग की मतलब डिजीज की ट्रीटमेंट प्रक्रिया में प्रोसेस से संबंधित सेक्सुअल डिसफंक्शंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अल्टर्ड डेली लिविंग पैटर्न रिलेटेड टू सर्जिकल वाउंड। ओके, सर्जिकल वाउंड मतलब हो गया कि जो सर्जरी का घाव है उससे संबंधित डेली लिविंग में चेंजेस लाना। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा लिखा है, एंजाइटी रिलेटेड टू पुअर आउटकम एंड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और फंक्शंस, मतलब क्या है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर कार्य पर पुअर आउटकम, मतलब पुअर का मतलब हो गया खराब रिजल्ट और ट्रीटमेंट के प्रभाव से संबंधित एंजाइटी को कम करना, मतलब ये है कि अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर कोई काम खराब होने पर जो उसका रिजल्ट है और जो ट्रीटमेंट है उसके प्रभाव से अगर पेशेंट एंजाइटी में है तो उस एंजाइटी को कम करना क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स टू केयर विथ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, मतलब क्या है कैंसर के डायग्नोसिस की देखभाल के लिए रोगी और फैमिली के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को साइकोलॉजिकल सहायता प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, मतलब क्या है कि एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स का मतलब हो गया कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका प्रशासन करें, एडमिनिस्टर करें। नेक्स्ट पॉइंट है, पेन शुड बी कंट्रोल्ड और रिलीव्ड बाय पेन मैनेजमेंट। ओके, दर्द मतलब पेन मैनेजमेंट द्वारा नर्स को नियंत्रित या राहत दी जानी चाहिए। ओके, मतलब जो पेन मैनेजमेंट द्वारा क्या है दर्द को, पेन को कंट्रोल या फिर क्या है राहत दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मेंटेन ए हाइड्रेशन पैटर्न बाय इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक, मतलब क्या है पेशेंट को तरल पदार्थ का सेवन बढ़ा करके हाइड्रेशन पैटर्न बनाए रखने का निर्देश दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है,
इफ़ द पेशेंट इज़ कैथराइज्ड ही शुड बी इंस्ट्रक्ट टू प्रॉपर केयर ऑफ कैथेटर। मतलब क्या है कि यदि रोगी को कैथेटराइज्ड किया जाता है तो उसे कैथेटर की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट द पेशेंट शुड बी इनकरेज्ड टू प्रैक्टिस पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज। मतलब क्या है कि यदि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन प्रेजेंट है तो रोगी को पेल्विस फ्लोर की मसल्स के एक्सरसाइज का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू डॉक्टर इफ़ दिस इज साइन ऑफ ब्लैडर इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि रोगी को निर्देश दें कि यदि ये ब्लैडर्स के इन्फेक्शन के लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, क्लीन द यूरेथ्रा मीटर्स विथ सोप एंड वाटर एटलीस्ट ट्विस ए डे। मतलब क्या है कि पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए रोगी को निर्देश दें कि जो यूरेथ्रल मीटर्स के, मतलब क्या है, यूरेथ्रल के मसल्स को दिन में कम से कम 2 बार साबुन और पानी से साफ करें। तो ये हम पढ़े हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, उसका ये नर्सिंग मैनेजमेंट था। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में ये था कि पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स मतलब क्या है, जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स का मतलब हो गया कि जो डॉक्टर्स दवा प्रिस्क्राइब किए हैं उसका क्या है, प्रशासन करना चाहिए। पेन शुड बी कंट्रोल, मतलब क्या है कि जो पेन हो रहा है, पेन मैनेजमेंट से पेन को कंट्रोल और रिलीफ करना चाहिए। पेशेंट